आज बनाते हैं कस्टर्ड, उस कस्टर्ड पाउडर से जिसे हमने घर पर ही बनाया है। 2 कप दूध लिया, जिसमें से आधा कप दूध अलग रखकर बाकी का दूध हम उबाल लेंगे। ऐड करेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी। हमने अपने होममेड कस्टर्ड पाउडर में पहले से भी चीनी मिलाई है, इसलिए सोच समझकर चीनी डालना है। अब आधे कप दूध में जो हमने पहले रख रखा था, आधा कप कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिलाएंगे। कोई गांठ यानी लंप्स ना रहे इसमें। ये हुआ कंसिस्टेंट, एक सार, फिर भी चेक कर लेते हैं आराम से, मुझे तो ठीक लग रहा है। दोनों को दूसरे से जुदा किया था, अब मिला देते हैं। गोलम गोल, गोलम गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। हमने चावल का आटा यूज़ किया है हमारे कस्टर्ड पाउडर में, याद है ना? तो इसे पकने के लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा। ये हुआ गाढ़ा, परफेक्टली कुक्ड। अब करेंगे सर्व। लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा पका दिया है, मगर टेस्ट में हमारा सिपाही अच्छे अच्छों को मात दे देगा। गार्निशिंग मैं सिंपल रखूंगी, आप मन मुताबिक कर सकते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो चाहें। आपका डिज़र्ट, आपका टेस्ट, आपकी मर्जी। आपका कस्टर्ड पाउडर भी और आपका कस्टर्ड भी। एंजॉय।